नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर खुशियों का माहौल है। उनके छोटे बेटे कुणाल सिंह चौहान की सगाई हुई है और जल्द ही शादी भी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां शिवराज के छोटे बेटे की सगाई हो गई है, तो वहीं बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान अभी भी कुंवारे हैं। जी हाँ, अब ऐसे तो पहले बेटे की शादी बड़े बेटे की शादी पहले होती है, लेकिन शिवराज के छोटे बेटे की पहले सगाई हो गई है। सवाल है कि आखिर शिवराज के बड़े बेटे अभी भी कुंवारे क्यों? चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के दो बेटे हैं। बड़े बेटे कार्तिकेय 30 साल के हो चुके हैं और छोटे बेटे कुणाल अभी 28 साल के हैं। ऐसे में छोटे बेटे की सगाई होने पर सबकी नजरें बड़े बेटे कार्तिकेय पर पड़ी। शिवराज के बड़े बेटे ने अब तक क्यों नहीं की शादी? शिवराज के छोटे बेटे कुणाल की सगाई भोपाल के इंद्रमल जैन की पोती रिद्धि जैन से हुई है। कहा जा रहा है कि कुणाल लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कार्तिकेय राजनीति में एंट्री लेने की सोच रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्योंकि कार्तिकेय राजनीति में आने की सोच रहे हैं, इसीलिए शायद वो अपनी शादी का नहीं सोच रहे, अपनी शादी से ज्यादा राजनीति पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि कुणाल लव मैरिज कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने देरी नहीं की। इन्हीं सब कारणों से शायद बड़े बेटे कार्तिकेय अब तक कुंवारे हैं। वही बता दें, कार्तिकेय की माँ साधना सिंह ने एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि उन्हें कैसी लड़की चाहिए कार्तिकेय के लिए। उन्होंने कहा था, ऐसी दुल्हन चाहिए जो घर परिवार साथ लेकर चले। कार्तिकेय की पढ़ाई, जानकारी के मुताबिक कार्तिकेय ने अपनी अधिकांश शिक्षा उच्च स्तरीय और महंगे शैक्षणिक संस्थानों में पूरी की। भोपाल के अलावा पुणे के सिम्बायोसिस और उसके बाद उन्होंने अमेरिका की पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी से LLM पूरा किया है। कार्तिकेय का बिजनेस, कार्तिकेय बिजनेस भी कर चुके हैं। पहले कार्तिकेय ने फूल की दुकान से व्यापार शुरू किया था। इसके अलावा विदिशा की सुंदर डेयरी कृषि फार्म का संचालन करते हैं। फिलहाल कार्तिकेय के चुनाव लड़ने की भी खबरें तेज है। कहा जा रहा है कि वो अपने पिता शिवराज सिंह चौहान के कदम पर आगे बढ़ सकते हैं। जब कार्तिकेय 20 साल के थे, तब से इन्होंने अपने पिता के साथ राजनीतिक सभाओं में जाना शुरू कर दिया था। विधानसभा चुनाव के वक्त भी और अभी लोकसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने अपने पिता के लिए प्रचार किया था। कार्तिकेय लंबे समय से अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भी है, लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा क्यों है, ये भी जान लीजिए। क्योंकि देखिए, शिवराज सिंह चौहान इस बार विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि विदिशा बीजेपी का गढ़, यही कारण है कि इस सीट से शिवराज जीत सकते हैं। और अगर शिवराज इस सीट से जीतते हैं, तो उन्हें अपने विधायक के पद से इस्तीफा देना होगा, यानी बुधनी विधानसभा सीट से। और अगर ऐसा होता है, तो बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, तो बीजेपी कार्तिकेय को चुनावी मैदान में वहां से उतार सकती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।